ओम शांति। आज है 25 सितंबर 2022। आज हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा की वाणी। रिवाइज कोर्स है 24 सितंबर 1992 की। जो मुरली 24 सितंबर 1992 यानी 24 सितंबर 1992 को चली थी, वही मुरली आज हम सुनेंगे। मुरली का सार, सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं, इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाबा बच्चों की शुभ आशाएं पूर्ण करने के लिए अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं। तो आज प्राण प्यारे बाप दादा ने कहा, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं, इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, मन से मधुबन में हैं। देश विदेश के बच्चे मन से मधुबन में हैं। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में हैं। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। स्नेह में क्या होता है, साज बजने लगता है और वो साज यानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। क्या कहा बाबा ने कि बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता, वह है मिलना और वह है झमेला। एक को याद करते हैं तो वो मिलना है, एक से ज़्यादा को याद करते हैं तो वह झमेला है। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए, लेकिन वायदा क्या है, एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप एक और, भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाए हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाए हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता, झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे। सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है।
यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण हैं। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? तो बाबा अभी असत्य और सत्य में जो विशेष अंतर है वह बताने वाले हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता और बाप से किनारा होना अर्थात सदाकाल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें। क्या कह रहे हैं बाबा? कि कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें। भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा? हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के, नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। यानी जो असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, असत्यता को पकड़े हुए हैं, वे अल्पकाल का शान उन्हें मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया। क्या कह रहे हैं बाबा?
कि असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है? यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया? यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ हैं। यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो, कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना, इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो, दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। क्या कहा बाबा ने, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो, क्या कहेंगे, कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया, जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों का सबूत देना है। क्या सबूत देना है, बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे, जो हैं वह सब आप हो, ऐसे थोड़ी थोड़ा थोड़ा और भी है, बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। क्या कहा बाबा ने, कि सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मधुबन निवासियों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं, मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती। श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं, मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है, तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है, जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है।
मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है, वह कर्म में दिखाई देता है व देना है। क्या कहेंगे आप, अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ, उठना बैठना चलना बोलना संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियाँ क्या समझती हैं। कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है, वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुबन की विशेषता है ना। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आश है। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आश है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है, यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे। या दूसरा, तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे, भाग्यवान हो। यह तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे, यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे। लेना तो है ना, यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे, लेना तो है ना। क्या कह रहे हैं बाबा, आइए दोबारा से इस लाइन को सुने। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दें, भाग्यवान हो। यह तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें, यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे। लेना तो है ना, या ले लिया है, जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब समान, ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। जिसको लेना है वो हाथ उठाओ, यह भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे। लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो, कहने से पहले करके दिखाएंगे। कहने से पहले क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना, निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखें, जिसको देखें, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, जहाँ देखें ब्रह्मा समान हो सकता है ना। कितने सुंदर बाबा ने मधुर बोल बोले आज के महावाक्य में। बाबा कह रहे हैं निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखें, जिसको देखें, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, जहाँ देखें ब्रह्मा समान हो सकता है ना। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है, आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं, जैसे यह नशा है वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो, कुछ सेल्वेशन चाहिए, सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो, शरीर की मेहनत करते हो, और तो सब बनाया मिलता है,
शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? बाप आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं, जैसे यह नशा है वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सेल्वेशन चाहिए? सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो? कितने बेफिक्र बैठे हो? शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है ना, बाबा हम सब बच्चों को कह रहे हैं। आगे बाबा आज के अव्यक्त मुरली में कह रहे हैं कि जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं, इसलिए अपने को फ्री नहीं करना, अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है, बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूरत, मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना, ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। क्योंकि हम मधुबन निवासी हैं और मधुबन भूमि जो है वह ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, तो इसलिए हम सभी के सूरत और सीरत में ब्रह्मा बाप ही दिखाई दे, यानी उनके कर्म, उनके बोलचाल, उनका सब कुछ हमारे अंदर समाया हुआ हो। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है, आशा के दीपक जगाओ। अब ऐसी दीपावली मनाओ, बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हरेक यह दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएंगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हों तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला, इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो न स्वयं का समय जाएगा न दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है। मधुबन क्या है? पीस पैलेस। मन को भी पीस, मुख की भी पीस, तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंची नहीं हैं, इसलिए कश्मकश में हैं, कभी शांत कभी अशांत। तो उन्होंने शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्होंने की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन, महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताज पोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो, जब
आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे, तब ही यह डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसी कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाएं। वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं, यह सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। अच्छा, आज के वरदान में बाबा ने कहा, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति।